दोस्तों आज की वीडियो में आपको जानकारी देंगे कटिहार बरौनी रेल लाइन के बारे में, तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। कटिहार रेलवे स्टेशन बिहार में आता है और इस रेलवे स्टेशन का डिवीज़न खुद कटिहार ही है, जो नॉर्थ फ्रीजर रेलवे के अंतर्गत आता है। पहले यह जानते हैं यहाँ पर जो 5 अलग दिशाओं से रेलवे रूट आ रहा है वह जान लेते हैं, उसके बाद लेके चलेंगे बरौनी की तरफ। कटिहार जंक्शन से जो ये रेलवे लाइन देख रहे हैं, कटिहार CBOMB केबिन के तरफ जो दलहन की तरफ जा रहा है, यह रेलवे लाइन पूर्णिया की तरफ जा रहा है। यह रेलवे लाइन सिंगल डीजल लाइन है। साथ ही कटिहार से जो ये रेलवे लाइन निकल रहा है नया टोला की तरफ, यह रेलवे लाइन जा रहा है मुकरिया की तरफ। पहले आपको ले कर चलते हैं मुकरिया की तरफ। ये मुकरिया हो गया, मुकरिया से आगे बारसोई होते न्यू जलपाईगुड़ी की तरफ। यह रेलवे लाइन सिंगल लाइन है, कटिहार से मुकरिया तक सिंगल लाइन है, उसके आगे मुकरिया से न्यू जलपाईगुड़ी की तरफ डबल लाइन है, डबल इलेक्ट्रिक लाइन है। और ये कटिहार से मुकरिया सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन है। साथ ही कटिहार से जो ये मनिया की तरफ जा रहा है, यह भी रेलवे लाइन सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन है। यह रेलवे लाइन कुमेदपुर की तरफ जा रहा है, कुमेदपुर होते मालदा टाउन की तरफ जा रहा है। और साथ ही यहाँ पर जो है कटिहार के पास बनाया गया है बाईपास, क्योंकि पूर्णिया की तरफ से कोई भी मालगाड़ी अगर आएगी तो वह कटिहार स्टेशन ना जा करके वह कटिहार CBOMB केबिन होते हुए उस ट्रेन को अगर मालदा टाउन की तरफ जाना है तो उधर भी निकल सकती है, और अगर उसको मुकरिया होते हुए न्यू जलपाईगुड़ी की तरफ आसाम की तरफ जाना है वहाँ भी जा सकती है। अब कटिहार से आगे जैसे ही इधर बढ़ेंगे, ये रेलवे लाइन जो जा रहा है कटिहार साउथ केबिन की तरफ, ये रेलवे लाइन डबल लाइन इलेक्ट्रीफाइड है, ये जा रहा है बरौनी की तरफ। पहले ये डीजल लाइन को देख लेते हैं। ये रेलवे लाइन जो जा रहा है मानसाही की तरफ, यह रेलवे लाइन मनिहारी की तरफ जा रहा है। यह रेलवे लाइन सिंगल डीजल लाइन है। चलिए अब आपको ले कर चलते हैं बरौनी की तरफ। कटिहार से जैसे ही आगे बढ़ेंगे सेमापुर आएगा, तो छोटा कर लेते हैं। सेमापुर से आगे जो है काढ़ा गोला रोड, बखरी, ये सब स्टेशन मिलेगा, फिर कुर्सेला मिलेगा। कुर्सेला के पास जो है यहाँ से कटरिया तक जो है सिंगल ट्रैक हो जाता है, सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन है। साथ ही इसके बगल में जो है, क्योंकि यहाँ पे कोशी नदी है, उस पर जो है डबल लाइन का काम चल रहा है और आने वाले समय में इसको भी डबल कर दिया जाएगा। कटरिया से फिर जो है डबल लाइन शुरू हो जाता है, बनिकपुर हाल्ट, नौगछिया, खारिक, थाना बीपुर, इसी तरीका जो है आगे बढ़ते जाएंगे, ये सब छोटा छोटा स्टेशन मिलेगा, नारायणपुर, पसराहा, गौछारी, महेशकूट। और इस रूट में पहला जंक्शन मिलेगा मानसी, मानसी से यह बदला घाट की तरफ जो सहरसा जा रहा है, यह रेलवे लाइन सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन है सहरसा तक। मानसी से जैसे ही आगे बढ़ेंगे खगड़िया, खगड़िया से यह बिशनपुर की तरफ जा रहा है, ये लाल वाला जो देख रहे हैं आप, ये जा रहा है कुशेश्वर स्थान की तरफ, हार नगर होते सकरी दरभंगा चला जाएगा ये रेलवे लाइन। और ये इसके आगे जो ओलापुर की तरफ देख रहे हैं, यह रेलवे लाइन सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन है, समस्तीपुर जा रहा है। और ये उमेश नगर की तरफ जो जा रहा है ये डबल लाइन है, या बेगूसराय होते हुए बरौनी की तरफ जा रहा है। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो साहेबपुर कमाल जंक्शन, साहेबपुर कमाल से सबदलपुर जंक्शन होते हुए मुंगेर जमालपुर की तरफ रेल लाइन गया है। इधर उमेश नगर से भी सबदलपुर जंक्शन होते मुंगेर की तरफ गया है। यहाँ पर जो है बाईपास बनाया गया है, अगर साहेबपुर कमाल की तरफ से कोई ट्रेन आई तो इंजन रिवर्सल करना ना पड़े, वह सीधे मुंगेर की तरफ निकल सकती है। और खगड़िया की तरफ से कोई ट्रेन आई तो वो भी जो है सबदलपुर होते हुए मुंगेर की तरफ निकल सकती है। इस बाईपास से ये फ़ायदा है कि इंजन रिवर्सल करने का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पे। फिर लखविनिया है, दौलिन, फुलवरिया, लाखो, बेगूसराय, इसी तरीका जो है तिलरत होते हुए बरौनी पहुँच जाएंगे। बरौनी के पास तो ऐसे पिछले वीडियो में बताए थे, यहाँ पर भी बाईपास है। ये आगे जो रेलवे लाइन जा रहा है बरौनी फ्लैग की तरफ, ये बछवारा जंक्शन समस्तीपुर की तरफ जा रहा है, या कहिए बछवारा हाजीपुर की तरफ जा रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एक बार फिर।